हनुमानगढ़ में फर्स्ट इंडिया न्यूज का हनुमानगढ़ रत्न सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री गोविंद मेघवाल रहे। कार्यक्रम में विधायक धर्मेंद्र मोची, विधायक गुरदीप शाहपेनी, जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार सिहाग, एसपी सुधीर चौधरी, न्यूज एडिटर जिनेन्द्र सिंह शेखावत और बीकानेर संभाग प्रभारी लक्ष्मण राघव मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री गोविंद मेघवाल ने फर्स्ट इंडिया न्यूज के सरोकार की तारीफ करते हुए सीएमडी डॉक्टर जगदीश चंद्र के निर्देशन में फर्स्ट इंडिया न्यूज ने देशभर में अपनी पहचान बनाई है ये कहा। कार्यक्रम में हनुमानगढ़ के संवाददाता कपिल, श्रीगंगानगर के संवाददाता सुनील सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान बेहतरीन कार्यों के लिए युवा खिलाड़ियों और अधिकारियों को सम्मानित किया गया। हनुमानगढ़ सहायक निदेशक महिला अधिकारिता विभाग हनुमानगढ़। जब तक हम लोग फर्स्ट इंडिया को देख नहीं लेते अपने आप के यूं बेचैनी सी रहती है, और हम सुबह सुबह इसलिए भी देखते हैं कि अपने आप को अपडेट करना है, ताजी खबर, करंट न्यूज, क्योंकि अखबार तो एक दिन के बाद छपता है, प्रिंट मीडिया, लेकिन फर्स्ट इंडिया आजकल ऐसा हो गया कि मोबाइलों में भी हम अपने साथी को कहते हैं कि हमें आप दिखाओ, देखते हैं तो करंट न्यूज मिलता है, उससे अपने आप में आदमी अपडेट हो जाता है। पर मेरा तो आपसे निवेदन है, चुनाव का टाइम है, लंबी चौड़ी घोषणा हुई है, यदि आप सही बखूबी से जनता की बात फर्स्ट इंडिया पर मतलब चैनल पर ला दोगे तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा और आपका प्रशंसक भी रहूंगा। कारण इस चैनल के माध्यम से हमें उम्मीद नहीं है, विश्वास भी है कि एक कोई भी पीड़ित की पीड़ा हो और उसकी आवाज उठाई जाए। आज बड़ी खुशी की बात है कि फर्स्ट इंडिया ने अपनी यहाँ शुरुआत की है अपने जिले के अंदर। मेरे ख्याल में तो वैसे तो चार स्तंभ बताते हैं, इस टाइम दो स्तंभ भी हैं जो जिन पर कोई दबाव नहीं है। जो राजनीतिक स्तंभ है वो हमारे पे कार्यकर्ताओं का दबाव रहता है हमेशा, हमारे को पता होता है कि काम हमारे से गलत करवा रहे हैं तो हमारी मजबूरी हो जाती है। ऐसे ही ये हमारा प्रशासन है, जो प्रशासन में हमारे राजनीतिक दबाव रहता है। और दो स्तंभ बचे हैं न्यायपालिका और जो प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इनको अपनी सच्चाई जो है वो सामने रखनी चाहिए हमेशा। और मैं फर्स्ट इंडिया को आज के जो कार्यक्रम है उसके लिए बधाई देना चाहूंगी कि आपने ये इंश्योर किया कि हमारे समाज में अलग अलग जो अरीनाज हैं उसके अंदर जो व्यक्ति अच्छा काम कर रहे हैं उसको उनको सराहने की आवश्यकता है और उनको आगे लेके आने के लिए रिकग्नाइज करने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम सब जानते हैं कि मीडिया जो है वो फोर्थ पिलर है हमारी डेमोक्रेसी का, तो वी अंडरस्टैंड कि लोगों तक चाहे वो सरकार की अच्छी बातें हैं बुरी बातें हैं, प्रशासन की जो अच्छी बातें हैं बुरी बातें, वो जनता तक जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन है जो मीडिया के थ्रू होता है उसके लिए मीडिया बहुत इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट इंडिया एक इस अवार्ड सेरेमनी के माध्यम से डिजायरेबल सेंटिमेंट्स का मतलब एक अच्छी चीज़ है, अच्छी पहल, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको मोटिवेट करने का काम कर रहा है, इसके लिए मैं चैनल को बधाई देना चाहूँगा। और जो मीडिया का रोल है बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। हनुमानगढ़ जिले की जो मुख्य समस्याएं हैं उसमें मुझे लगता है कि युवाओं में जो बढ़ता हुआ नशा है और उसके अलावा जो गैंग्स बॉर्डर इलाके के कारण जो एक्टिवेट हो रही हैं उसमें पुलिस प्रशासन तो कार्य करता ही करता है, परंतु मीडिया का सहयोग भी हमें आवश्यक है।